हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड वेजिस में। आज हम बनाने जा रहे दही भिंडी। ये बहुत ही अलग रेसिपी है, इसे बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। दही भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम देखें 250 ग्राम भिंडी लिए हैं। ये इसे अच्छी तरह से धो करके पोंछ लिए हैं और बड़ा बड़ा साइज़ में इसको काट लिए हैं। और इसके लिए आधा कटोरी दही लेंगे। दही में एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच तेल, इसे डालकर मिला देंगे। इसे साइड में रख देते हैं और अब हम भिंडी फ्राई करेंगे। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल भी हमारा गरम हो गया है, अब इसमें भिंडी डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच बेसन, इसे डालकर दो तीन मिनट तक और इसे भून लेंगे। भिंडी अच्छी तरह से भून गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें दो चम्मच फिर से तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और एक चुटकी हींग। अब इसमें एक बड़ा साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, अब इसे डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालकर इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम एक छोटा साइज का टमाटर, जिसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैं भिंडी में भी आधा चम्मच नमक डाली थी, इसीलिए इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे अब हम ढक कर टमाटर गलने तक पका लेंगे। ये देखिए, टमाटर पूरी तरह से गल गया है। अब इसमें हम दही डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। दही भी धो करके हम सारा पानी इसमें डाल करके इसे अब अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भून गया है, तेल भी छोड़ रहा है, एक दो मिनट तक और भून लेंगे। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी डालकर इसे दो मिनट तक और भून लेंगे। दो मिनट हो गया है, अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे। आंच को कम करके इसे धीमी आंच में 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है, देखिए भिंडी भी हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डाल देंगे।
और उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।